Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the 24th chapter of Selena Publications book Mathematics. So the chapter name is Solutions of Right Triangle. Simple 2D problems involving one right angle triangle. So this is the basic heading. So basically अगर ये चैप्टर आपने करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स आने चाहिए, द बेसिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, वो वीडियो से एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाना इफ़ यू आर हैविंग सम डाउट इन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स, जो पंडित बद्री प्रसाद वाले बेसिक्स हैं तो वो यहाँ पे यूज़ होंगे बार बार. तो बेसिकली इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी व्हेन वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल आर गिवन. सो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड गिवन हो और एक एक्यूट एंगल गिवन हो दोनों में से, तो हम बाकी के सारे साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज ये एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, देन हम ये साइड ये एंगल, ये सारा कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली दिस 90 डिग्री एंगल इज हमेशा गिवन होगा, तो इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल गिवन हो या कोई भी साइड गिवन हो तो बाकी सारी साइड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, दैट विल वी विल डिस्कस वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. इफ़ द टू साइड्स, अगर कोई भी टू साइड्स गिवन, जैसे ये दोनों साइड गिवन है तो बाकी के एंगल्स या साइड हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो वन साइड एक्स इज गिवन, दिस इज 20 इज गिवन, दिस इज एंगल 60 डिग्री. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक 90 डिग्री एंगल गिवन है, एक 60 डिग्री और ये एक साइड गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें मार्क कर लो ए बी सी. ठीक है, आपको याद होगा 90 डिग्री और एंगल ऑफ रेफरेंस के बीच वाली साइड क्या थी, बेस. सो बेस इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू वी डोंट नो. सो बेस इज इक्वल टू ए बी, देन अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर. Perpendicular is equal to BC is equal to 20. Units नहीं दिए हुए हैं तो no need to write any units. या फिर आप 20 units लिख सकते हो. Then hypotenuse is AC is equal to X. And this is angle 60 degree. हमें perpendicular and hypotenuse. तो आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. साइन कोस टैन. सो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर साइन में आ रहे हैं. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा. सो इफ दिस इज योर साइन 60, दिस इज योर परपेंडिकुलर बीसी एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे, 20, हाइपोटेन्यूज की जगह एक्स एंड साइन 60. तो एक वीडियो जिसमें हमने टेबल डिस्कस किया था वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो बेसिक टेबल था ना ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स का, वो भी यहाँ पे बहुत यूजफुल होगा. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2. एंड सो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 2 अपॉन रूट 3. ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आपकी 40 अपॉन अंडर रूट 3. 20 × 2 अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज 40 अपॉन अंडर रूट 3. तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 40 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3. ठीक है, आप सभी ने याद रखा अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732. डिवीजन में आपका क्या आ गया, 3. ठीक है, सो अब आपने इन्हें डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट योर आंसर. सो योर आंसर मस्ट बी 23.1 यूनिट्स. कैलकुलेशंस आप कर लेना, तो ऑलमोस्ट इतना आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया. सो
90 डिग्री एंड एंगल ऑफ रेफरेंस था हमारा 60 डिग्री, इन दोनों के बीच वाली साइड क्या होगी, बेस। सो ए बी विल बिकम बेस, देन दिस बी सी विल बिकम परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किए, देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें ढूंढना था क्योंकि बेस की वैल्यू गिवन नहीं है, बट परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 गिवन थी। सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट करना था एक्स पर, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। सो टेबल वाली वीडियो जो होगी आप उसके से टेबल दोबारा से देख सकते हो जो हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, उस चैप्टर में हमने टेबल डिस्कस किया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा साइन 60 की वैल्यू वो थी अंडर रूट 3/2, देन बस उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन रैशनलाइजेशन किया एंड वी विल गेट अवर आंसर 23.1। ठीक है, सो इन द सेम वे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सपोज दिस इज योर एंगल ऑफ रेफरेंस ए बी सी, तो ए बी क्या हो गया आपका बेस, ए सी क्या आपका हाइपोटेन्यूज, बी सी क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ याद रखना है एंगल ऑफ रेफरेंस जो दिया हुआ और जो 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच वाली साइड बेस होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि नीचे वाला बेस होगा। सो दिस इज योर बेस ए बी, बेस पता चल गया 90 से ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जो बाकी साइड बची वो क्या परपेंडिकुलर। अब आपको एक तो गिवन है परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना गिवन है 20, एंड दूसरा आपको गिवन है ए बी, आपने फाइंड आउट करना है ए बी आपका क्या है बेस, बेस आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस वाला कौन सा है, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो यहाँ पे बी आएगा। सो परपेंडिकुलर एंड बेस वाला कौन सा है टेन, सो टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे थीटा क्या है 30, परपेंडिकुलर क्या है आपका पी एंड बेस क्या है, बेस आपका क्या है ए बी, ए बी क्या है एक्स, बेस की एक्स लिख दिया एंड परपेंडिकुलर कितना है आपका बी सी, वहाँ पे कितना आ जाएगा 20। सो टेन 30 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, अगेन आपको टेन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज 1/√3। ठीक है, ये भी आपने टेबल से ही देखनी है, ये कितना आ गया 20 अपॉन एक्स, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 20 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732, तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट योर आंसर। सो 4, 6 देन पॉइंट देन 4 देन 3, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, दिस इज अ थर्ड पार्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मार्क इट एज साइड ए बी एंड सी। सो साइड बिटवीन 90 डिग्री एंगल एंड एंगल ऑफ रेफरेंस इज बेस, सो दिस इज बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड वी आर प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, सो वी विल यूज साइन थीटा, दैट इज साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20, हाइपोटेन्यूज इज एक्स, सो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इज इक्वल टू 20√2, 20√2 जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ अंडर रूट 2, दैट इज 1.414, so on multiplying we will get 2 8
0.28. so this is your answer. Units. Okay students, note it down. In the second question, we have to calculate the value of angle A. So this A we have to calculate. Again, angle of reference and 90 degrees. So this side is equal to base. This side must be perpendicular. जो 90 degree के साथ दो sides होती हैं, उनमें से एक base होती है, एक perpendicular. इन दोनों side को छोड़ दो, तीसरी side की आपकी hypotenuse. Now बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, सो हमें कौन सा रिलेशन पता है, कॉस बी. सो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है 10, हाइपोटेन्यूज 20, तो इसकी आप कटिंग कर दो. इसके बाद ये वैल्यू कॉस ए की वैल्यू आ गई आपकी 1/2. तो अब आप दोबारा से इस टेबल में देख सकते हो, कॉस 1 देन अंडर 3/2. कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे. कॉस 60 इज 1/2. सो 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60. ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉस से कॉस कैंसिल नहीं करना, बट सीधा डायरेक्टली आपने नेक्स्ट स्टेप में लिख देना ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू 60 degree. दिस इज योर आंसर. कुछ नहीं किया हमने, सिंपल आइडेंटिटी लगाई. ठीक है, जो भी आया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने टेबल से वैल्यू चेक की, कॉस 60 पे होता है ये, सो ए की वैल्यू आ गई 60. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. सो triangle is given, angle A is given. Again we have to calculate the value of A. So A and 90 degree ke beech mein side base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Perpendicular and hypotenuse. So angle of reference perpendicular and hypotenuse ke beech mein sine, hume pata hai sine kya hota hai, perpendicular upon hypotenuse. Sine A kitna aa gaya aapka, perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular ki value kya hai, 10 upon under root 2. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 10 साइन ए. इसे हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 10 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर चला जाएगा नीचे 10 साइन ए. 10 से 10 की कटिंग होगी, सो साइन ए की वैल्यू आ गई 1/√2. दोबारा से आप टेबल में चेक कर सकते हो, साइन 1/2 अंडर रूट 2 कब होता है, साइन 45 पे. ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 45 degree. दिस इज योर सेकंड पार्ट. दिस इज योर थर्ड पार्ट. Again, this is angle of reference, this is 90 degrees, so this side is base, this side perpendicular, and this is hypotenuse. So we are provided with base and perpendicular. We will use tan theta. Tan A. Tan theta kya hota hai aapka? Pandit Badri Prasad, perpendicular upon base. Tan A is equal to perpendicular ki value kya hai? Under root 3. And base ki value kya hai? 10. 10 अंडर रूट 3 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3. तो ये 10 एंड ये 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ से 10 ए की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 3. 10 अंडर रूट 3 कब होता है, 10 60 पे. टेबल से आप देख सकते हो, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपकी 60 degree, विच इज योर आंसर. Find the angle x if, so this diagram is given and we have to calculate the value of x. Okay, so पहले इसे mark कर दो a, b, c and d. Now students देखो, सबसे पहले हमें cd given है, तो ये एक right angle triangle भी है. yes,
तो इसकी हेल्प से हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जब ए सी की वैल्यू आ गई तो दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. देन दो वेरिएबल्स पता है, दिस इज एंगल ऑफ रेफरेंस, फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, सो वी आर कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल ए सी डी. ये क्या एंगल ऑफ रेफरेंस, दिस इज योर 90 डिग्री. सो ए सी क्या हो गया आपका, ए सी इज इक्वल टू बेस एंड सी डी इज परपेंडिकुलर. ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर की हमारे पास कौन सा रिलेशन है, टेन भी और कोट भी है. सो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस ए सी. सी डी की वैल्यू कितनी है 30, ए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है टेन 60. टेन 60 होता है आपका अंडर रूट 3. यहाँ से आप ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, वो कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सो ये ऊपर चला गया, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो डिवीजन में अंडर रूट हो तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम. ये आ गया आपका 30 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, डिवीजन में आ गया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 ये कटिंग होगी. ये आ गया 10 अंडर रूट 3. सो ए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है अब 10 अंडर रूट 3. तो ये आपका ए सी है, ये कितना आ गया 10 अंडर रूट 3. ये आ गया आपका 10 अंडर रूट 3. नाउ वी विल कंसीडर दिस ट्रायंगल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो ये आपका क्या है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, ये 90 डिग्री, ये साइड बेस होगी, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. सो हम साइन एक्स से कंसीडर करेंगे यहाँ पे भी. इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी बेस ए सी परपेंडिकुलर, बी सी बेस है ए सी परपेंडिकुलर. इस ट्रायंगल में ए बी सी में बी सी आपका बेस है, ए सी परपेंडिकुलर एंड ए बी क्या हो गया हाइपोटेन्यूज. ए बी क्या आपका हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब साइन थीटा यानी साइन एक्स क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 10 अंडर रूट 3 अपॉन 20. 10 अंडर रूट 3 अपॉन 20 तो उनकी कटिंग हो जाएगी, ये आ गया अंडर रूट 3 बाय 2. अब टेबल से दोबारा चेक कर सकते हो, ये अंडर रूट साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाय 2. सो अंडर रूट 3 बाय 2 की जगह हमें लिख दिया साइन 60. सो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री. दिस इज योर आंसर. स्टूडेंट्स नोट इट डाउन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड ए डी इफ देर आर टू पार्ट्स, दोनों में ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए डी. सो इस पार्ट में आप देख सकते हो दिस इज योर एंगल 45, दिस इज 10, सो दिस इज 290 डिग्री आर गिवन. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन. दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल का सम होता है 360. इफ दिस टू आर 90, दिस मस्ट बी 90. ये अगर सारे 90 हैं तो एक रेक्टेंगल बन गई. सो इफ दिस इज 10 तो ये भी क्या हो गया आपका 10 मीटर. जो इतनी लेंथ है ये आपकी क्या होगी 10. बट हमें ए डी फुल कैलकुलेट करना है. एंड ये भी आपको दिया हुआ 50, तो ये भी कितना हो जाएगा 50, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. नाउ लुक एट इन दिस फर्स्ट ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए ई बी, तो ये क्या आपका 45, सो ये साइड बेस होगी, ये साइड क्या है परपेंडिकुलर. सो अगर टेन की बात करें, टेन 45 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर कितना आपका ए ई, बेस कितना आपका 50.
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से AE की वैल्यू कितनी आ गई 50, बट हमने ED की वैल्यू तो पहले ही हमें पता है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल AE हमने कैलकुलेट कर ली, सो AD की वैल्यू क्या होगी आपकी AE प्लस ED, कंप्लीट AD क्या होगा आपका AE दिस वन प्लस ED कितना आ गया 50, डिग्री नहीं आएगा, 50 प्लस 10 दैट इज 60 मीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की यूजिंग दिस ट्रायंगल एंड ये सारे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था, सो ऑल साइड्स मस्ट बी ऑपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में BE DC इज अ रेक्टेंगल, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, BC इक्वल टू 10, ED इक्वल टू 10, CD इक्वल टू 50, BE इक्वल टू 50। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दिस 100 इज गिवन एंड इट इज गिवन दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम बात करें एंगल ACD प्लस ACB इज इक्वल टू 180, रीजन क्या है, लीनियर पेयर दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो यहाँ से आपका ये एंगल कितना आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री, 60 प्लस ACB इक्वल टू 180, ये उससे जाके माइनस हो जाएगा, सो ACB कितना आ गया आपका 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, सो ये एंगल आपका आ गया 120। नाउ ABC इज आइसोसेलिस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गई ABC। अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। इसके बाद आपने लिखना है, इसे एंगल वन मान लो, इसे एंगल टू मान लो, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आ गया इन ट्राइंगल ACB। अगर ACB ट्राइंगल की बात करें तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, सारे एंगल का सम 180 होता है ना, दिस इज एंगल वन, दिस इज ACB, दिस इज एंगल टू। ठीक है, वन एंड टू दोनों इक्वल हैं, सो इसे रिप्लेस कर देते हैं एंगल टू प्लस एंगल टू प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल टू की जगह भी एंगल वन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर रीजन देना बिकॉज एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ से क्या आ गया, टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू, ये उससे जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस 120 वो कितना होता है 60, एंगल टू कितना आ गया 60 अपॉन 2, ये टू डिवीजन में आ गया, सो कितना आ गया एंगल टू 30 डिग्री, सो बेसिकली ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री आ गया, मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ ये बड़े वाला, सो ये ए है, ये डी है, ये एंगल बी है, ठीक है, ये 100 मीटर है, ये एंगल हमारा बन गया 30 डिग्री। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है वैसे। नाउ हमें AD फाइंड आउट करना था, सो ये क्या है हमारा 90 डिग्री, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, सो
तो ये क्या हो गया बेस एंड ये क्या है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने ए डी फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ए डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/2, 50 मीटर। मीटर या सेंटीमीटर चेक कर लेना, मीटर्स में दिया हुआ तो ये इसकी हम वैल्यू आ गई 50 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी ए डी अपॉन 100, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 100 ऊपर आ गया 2 नीचे, 100/2 किसकी वैल्यू होगी ए डी की, सो कटिंग करके 50 मीटर, दैट इज योर आंसर। एक बार दोबारा देख लो ये क्वेश्चन, हमें ये ट्राइंगल गिवन थी, ये 60 डिग्री था लीनियर पेज से, हमने ये कैलकुलेट कर लिया ये 30 डिग्री, ये 120 आ गया। देन आइसोसिस ट्रायंगल थी, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों से ये दोनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, वो आ गए 30 30। एंगल टू अगर 30 है तो इस बड़ी ट्रायंगल में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से हमारी ए डी की वैल्यू आ गई 50 मीटर। सो इन द फिफ्थ क्वेश्चन अगेन हमें ए डी ही फाइंड आउट करना है, हमें एक ये बड़ा एंगल 60 दिया हुआ, दिस एंगल इज 45 एंड बी सी लेंथ हुई है 40। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमें ए डी फाइंड आउट करना है, ए डी हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम पहले एक बड़ी ट्राइंगल लेंगे, सो 60 के कॉरस्पॉन्डिंग हम ए सी की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, देन 45 के कॉरस्पॉन्डिंग सी डी की, देन ए सी में से हम सी डी माइनस कर देंगे तो हमारा ए डी आ जाएगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, सो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है ए बी सी में 60 डिग्री, सो दिस साइड इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लेंगे टेन 60। क्या होता है परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी अपॉन बेस कितना है बी सी, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है 3, ए सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है 40, ए सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 40√3। ठीक है, देन इन ट्रायंगल बी सी डी, सो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बी सी डी की, इस ट्रायंगल में आपका जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो 45 है, सो आपका अगेन टेन 45 मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका सी डी, दिस इज योर परपेंडिकुलर सी डी, बेस कितना है बी सी। ठीक है, सो टेन 45 सी डी अपॉन बी सी, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, सी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है 40, अगर यहाँ से हम सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 क्या सेंटीमीटर। नाउ ए सी की वैल्यू भी पता है सी डी की वैल्यू भी पता है, अगर मैं ए सी में से सी डी माइनस कर दूं तो ए डी आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस सी डी, ए सी की वैल्यू कितनी है 40√3, सी डी की वैल्यू कितनी है 40, इन दोनों में से 40 कॉमन आ जाएगा, √3 − 1, 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 − 1, ये कितना आ गया 40 × 0.732। ठीक है, इन दोनों में से 1 माइनस रह गया तो ये कितना आ गया 40 × 0.732, सो मल्टीप्लाई करके देख लेना आपका आंसर आएगा 29.28 सेंटीमीटर। योर फिफ्थ क्वेश्चन नोटेड डाउन स्टूडेंट्स,
बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.